नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी त्रिपाठी। सतना स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। पुराने तालाब को नया दिखाकर किया जा रहा है लाखों का खेल। ग्राम पंचायत स्तर पर जल संरक्षण के साथ ग्रामीणों को रोजगार देने के उद्देश्य से मनरेगा सहित कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन शासन की इस योजना को पलीता लगाने में पंचायत के सचिव कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और इन योजनाओं को कमाई का जरिया बना लिया है। ऐसा ही मामला उचेहरा जनपद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पोड़ी में देखने को मिला है। पोड़ी पंचायत के ग्राम ढूंढही में मनरेगा योजना के तहत दो वर्ष पहले कई तालाब बनाए गए थे, जिसमें दो पुराने तालाबों में सचिव सीएल सिंह द्वारा अब पुनः जेसीबी मशीन द्वारा मामूली खुदाई कर मेड़ में मिट्टी डालकर तालाब को नवीन स्वरूप दिखाया गया है। और नवीन तालाब बनाने के नाम पर फर्जी मास्टर रोल के सहारे शासन के लाखों की राशि अहरित कर खुले आम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ऐसा आरोप क्षेत्रीय जनपद सदस्य एवं उद्योग एवं सहकारिता के सभापति रमेश कुशवाहा ने आरोप लगाया है। उचेहरा के एसडीएम सुधीर बैग के कार्यालय पहुंचकर जनपद सदस्य श्री कुशवाहा ने पूर्व में निर्माण और अब के निर्माण संबंधित मास्टर रोल दस्तावेज सौंपते हुए गंभीरता से जांच करने की मांग की है। साथ ही लिखित पत्र में कहा है कि अगर शीघ्र ही कार्य को बंद कराकर जांच नहीं की गई तो सतना कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन देकर अन्य जनप्रतिनिधि व ग्रामीणों सहित पौड़ी तिराहे से पंचायत के सामने अनशन पर बैठने को मजबूर होंगे। गौरतलब है कि सचिव सीएल सिंह को पूर्व में अनियमितता के चलते सस्पेंड किया जा चुका है और रिलीव के बाद पिथौरावाद और पौड़ी दोनों पंचायत का प्रभार मिला है। सतना स्टार द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले राजवेंद्र चौधरी को सतना स्टार द्वारा सम्मानित किया गया है। और यदि आप भी सतना स्टार न्यूज के सदस्यता अभियान से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को 100 लोगों से सब्सक्राइब कराकर दिए गए नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजें और आकर्षक इनाम पाएं। धन्यवाद।